पूरी हो। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, एकता जिंदाबाद 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 विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद 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 विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। छत एकता जिंदाबाद 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 पहले। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और मैं उपाध्याय पद प्रत्याशी इस बार हूँ। अभी क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? आप देख रहे होंगे विगत चार दिनों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी अनुचित का नानी धरना चल रहा है हम लोग का, और हम लोग का मांग है चुनाव तिथि घोषित करें, चुनाव अधिकारी का घोषित कर रहे हैं। आप लोगों की बात हुई क्या कर रहे हैं? हम लोग की बात तो अभी तो कुलपति महोदय से हुई नहीं, क्योंकि उनका तारा सारा रवैया हम लोग देख रहे हैं। हम लोग चार दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, दिन रात हम लोग शीतकालीन धरना बैठे, कोई लोग सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग अंदर बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, कुछ सुनवाई नहीं करता है। उनका क्या काम है? उनका काम सिर्फ अधिवेशन में जाने का काम है, राज्यपाल महोदय के साथ काम करने का उनका काम है, और उनको सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको सेल्फी लेने का काम है। उनको पता नहीं कैसे कुलपति यहाँ के बन गए, उनके हम लोग के लड़के हैं, छात्र हैं, उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। चार दिन हो गया अभी तक कोई मिलने में कुछ नहीं आ गया है। जानकारी कि क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है? मेरे कहने का मतलब छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है, और हम लोग की बात जब हम लोग से बात करते ही नहीं है। MSA चुनाव होता है, चुनावी चुनाव होता है, प्रधानी चुनाव हो रहा है, अभी कुछ दिन बाद सभासदी चुनाव का डेट भी घोषित होने वाला है, जैसा कि आप जानते होंगे। बट मेरे कहने मतलब कुलपति महोदय हम लोग के लिए बने हैं कि राज्यपाल महोदय के लिए बने, अधिवेशन के लिए बने हैं। पहले हम लोग से बात करना चाहिए, हम लोग छात्र के लिए बात करना चाहिए। चार दिन से लोग बैठे हुए यहाँ पर धरना में, दिन रात बैठे होते शीतकालीन में, भाई कोई सुनवाई कोई कुछ नहीं हो रहा है हम लोग के साथ। मेरा नाम बिमलेश यादव है, मैं वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। बिमलेश जी, चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा, क्या तर्क रखा? देखिए सर, चुनाव हम लोग एक राज्यपाल को पत्रक दिए कि जैसे सब चुनाव हो रहा, चाहे विधानसभा रहा हो, चाहे उपचुनाव रहा हो, चाहे स्नातक का रहा हो, चाहे बार काउंसिल रहा हो, जब सब कोविड के नियमों को पालन करते हुए चुनाव कराया जा रहा है, तो हमने भी कुलपति सर को एक पत्रक दिया, राज्यपाल महोदय को ADC के थ्रू एक पत्रक दिया गया कि जब सब चुनाव हो रहे हैं तो हम लोग को भी कोविड का नियम का पालन करिए। हम लोग तो कुलपति से ये भी कहे कि जो आप नियम लगाएंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। कहेंगे कि अगर आप घूमना नहीं है, सब पूरा रैली वैली नहीं निकालना है, तो हम लोग रैली नहीं निकालेंगे। लेकिन कुलपति का तानाशाही रवैया ये है, हमेशा हम लोग को मिसगाइड करने के काम किए हैं। इनका तानाशाही रवैया ये है कि चार दिन से हम लोग बैठे हैं, एक बंसीधर सर आए, वो बोले कि 24 घंटे के अंदर हम DM से बात करके आपको बताएंगे। फिर अगले दिन चीफ ट्रैक्टर आते हैं, बोलते हैं आप पत्रक दीजिए। फिर यही है कि कोविड की आड़ में छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा। जो कोविड की आड़ की बात है उसमें छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है, जब सब चुनाव संभावित सब चुनाव हो जा रहा है। इतना बड़ा बार काउंसिल का चुनाव था, वो हो गया, तो हम लोग का छात्र संघ का चुनाव क्यों ना हो? हम लोग का प्रस्ताव था कि एक महीने पहले से हम लोग कुलपति सर को ज्ञापन दे रहे थे, वो बोले हम लोग का एडमिशन कम्प्लीट हो जाए उसके बाद हम चुनाव कराएंगे। जब सब चुनाव हो रहा है तो ये छात्र संघ चुनाव होने में क्या परेशानी है?